ये 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है जो यहाँ पे शंकर भगवान खुद आके यहाँ पे रहे हैं, और ये है सोमनाथ गुजरात में। तो इसी की पूरी जानकारी मिलेगी कैसे क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। हे तो वेलकम बैक, कैसे हो? तो फाइनली ये ट्रिप है सोमनाथ मंदिर। आई थिंक ये बस स्टैंड है अभी मंदिर, तो यहाँ का जो फेमस है आपको बताने वाले हैं कि जो पूरे इंडिया में जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो पूरा डिटेल बताएंगे। बारिश आ रहा है तो पहले ही आपका ये बस स्टैंड है। सोमनाथ बस स्टैंड, अभी बारिश बहुत आ रहा है तो अपने डोरमेट तो सबसे पहले अपने डॉर्मेट्री की तरफ चलता हूँ कि सबसे पहले स्टे आता है कि हम रुके कहाँ, और सबसे सस्ते में तो मैं वो रुकने वाला हूँ। बारिश जोर में है, मोबाइल मेरा भीग रहा है, मिलते हैं ठीक है। एक्चुअली हम आ चुके हैं ठीक है, और यहाँ से डॉर्मेट्री की बुकिंग होती है और ये सब है। कुछ ऐसा नज़ारा है देखिए, वो रहा मेरा डॉर्मेट्री ये वाला, और ये रहा बस स्टैंड। बस स्टैंड से उतरेंगे तो डायरेक्ट उतर के यहाँ से निकलते ही राइट लेफ्ट मार दीजिएगा, हाँ लेफ्ट मार दीजिएगा, बस स्टैंड है। और फिर ये सामने, ये मंदिर नहीं है ठीक है, और ये जो छतरी लेके जरूर आए, और इधर से कौन सा डिस्टेंस कितना दूर पड़ता है वो भी मैं आपको बताता हूँ देखिए, क्योंकि अभी मैं मंदिर में जाने वाला हूँ। और यहाँ पे फोन कैमरा चाबी वगैरह काफ़ी कुछ अलाउ है नहीं ठीक है, कुछ अलाउ वगैरह है नहीं, तो वो सब आपको लॉकर में जमा करके ही जाना पड़ेगा। ओके, वो सब आपको लॉकर में जमा करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं बाहर से पूरा राउंड अप व्यू दिखा दूंगा और क्या सीन है क्या नहीं है टोटल बताने वाला हूँ, लेकिन अंदर नहीं चालूगा। ओके, ये सी के लिए जाता है। ओके, समुद्र दर्शन लिखा हुआ है लेकिन हम जाएंगे पहले मंदिर दर्शन के लिए ठीक है। तो यहाँ से आप, मतलब भाई लोग, अगर ये जो मेरा स्टे है रहने के लिए वो भी करीब में 10 मिनट की दूरी पे मंदिर पे, बहुत सस्ता है, चीप प्राइस में लौंडे लफाड़े को आप पे जरूर रुक सकता है ठीक है। वहीं से बताता हूँ आपको मोबाइल वोबाइल रखने का क्या सीन शॉट है। उसके पीछे भी वो रहा मंदिर देखिए, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग यहीं पे शंकर भगवान का रखा गया था ठीक है। सोमनाथ तो क्राउड उतना भी नॉर्मली लग रहा है मुझे, अब सेलफोन जमा करना होगा और वहाँ पे प्रवेश द्वार है ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गेट है, एंट्री है, यहाँ से सामने मंदिर है। तो 6 बार ये मंदिर तोड़ा जा चुका है और आखिरी बार सरदार भाई वल्लभ पटेल ने बनवाया है इसे। चलिए आप चलते रहिए। तो गाइस मेरा दर्शन तो बहुत जल्दी हो गया, मतलब ना कि सोमवार के दिन छोड़ के आ गए तो आप मानोगे नहीं, आधे घंटे में दर्शन हो गया। और मैं मतलब 2 बार दर्शन कर चुका हूँ, जैसे एक दिन यहाँ पर हाई अलर्ट था तो हाई अलर्ट में नेक्स्ट डे भी रुक गया था, तो मॉर्निंग में भी मैं रुका हूँ और फिर शाम को भी।
दो टाइम दर्शन कर चुका हूँ। काफी टन हैवी है जो गोल्ड में आपको दिख रहा है, कई टन का है वो। और गाइस ये देख सकते हैं, ऊंट भी आपको बीचे साइड में मिल जाएंगे। और ये सरदार भाई वल्लभ पटेल ने आखिरी बार इसका भी जब निर्माण करवाया था इस मंदिर का, तो उसके बाद से निर्माण तो बहुत बार हो चुका है, लेकिन ठीक उनके फेस टू फेस फ्रंट टू फ्रंट रखा गया है इनका मंदिर। और गाइस इस मंदिर को बहुत बार लूटा पाटा गया है, और ये कब बना है उसका कुछ पता ही नहीं। वाला सिस्टम नहीं है जहाँ तक, और बहुत सावन का दिन है, सोमवार नहीं है, बहुत जल्दी दर्शन हो रहा है। 25 मिनट ठीक है, और हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट एरिया में, ठीक है, इसके बैक साइड से। और कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा यहीं पे श्रावण में रहते हैं, लेकिन ये वाकई और डिफरेंट, हर मंदिरों से डिफरेंट है, काफ़ी देख सकते हैं। और ये त्रिवेणी संगम जो नदियां हैं, ये तो फ़िलहाल सी है, हाँ, तो यहाँ से थोड़े दूरी पे भी है, लेकिन ये सब बंद है आज क्योंकि हाई अलर्ट पे चल रहा था। मैं ऑलरेडी इधर फंस भी गया था, ठीक है, तो यहाँ मैं आपको सी नहीं दिखा सकता हूँ, और यहाँ से ये सीन दिखा रहा हूँ आपको। गाइस कुछ ऐसा नज़ारा रहा है सोमनाथ का, मैं आपको थोड़ा पीछे दिखा रहा हूँ क्योंकि दीवार बना दी गई है यहाँ पे, और यहाँ से काफ़ी सब नियरेस्ट है। यहाँ से जूनागढ़ भी काफ़ी करीब है, 2 घंटे से 2.5 घंटे के अराउंडिंग का है जूनागढ़ है, और जूनागढ़ बेहद नज़दीक है, तो आप जूनागढ़ ज़्यादा प्रिफर करूँगा आपको। और गाइस ये देख सकते हैं, और ये है अमीर सिंह ऑयल की स्टैचू, जो मतलब इस मंदिर के बचाने के हित में काफ़ी सारे मतलब लड़ाइयाँ लड़ी, जंग लड़े, उसमें ये शहीद हो चुके, तो उनके याद में ये स्टैचू बनाया गया, कि मतलब काफ़ी योगदान रहा उनका कि इस मंदिर को काफ़ी बचाने का, कि जैसे बताया लूटपाट ज़्यादा हुई थी इस मंदिर में। दिख रहा 10 मिनट की दूरी पर वो अपना धर्मशाला, ठीक है, और ये छोटी सी मार्केट है जो आपको दिखाऊँगा। आप चाहे तो एक दिन में भी इसको पूरा कर सकते हो। इधर क्या है, इधर ये तो पार्किंग है। अच्छा अच्छा पार्किंग है, ओके ओके। कुछ लंच हो करूँगा फिर निकलते हैं, और यहाँ पे बस डिपो है, तो आई थिंक बस डिपो से है ना पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कहाँ क्या है, क्योंकि रेलवे बारिश का टाइम है, काफ़ी ट्रेन लेट चलती है। तो गाइस गुजरात से बड़े बड़े स्टेट से हर जगह से बस ज़्यादा करके यहाँ पे आती है डायरेक्ट, और यहाँ से सबसे नज़दीक में जूनागढ़ भी है, जूनागढ़ आप और वेरावल करके बड़ा स्टॉप है, वहाँ भी आ सकते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट बसेस ट्रेन वगैरह मिल जाएगी। और पूरी जानकारी रहे कैसे, पूरा डिटेल नेक्स्ट वीडियो में स्टे का मिलेगा।